हमारी संस्कृति कहती है कि विविधता में एकता देखो, एकता ही सत्य है, विविधता तो तात्कालिक। भारत में रहने वाले सबको इसको मान के चलना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि मुसलमान नहीं रहेंगे, ऐसा अगर हिंदू कहता है तो उसका हिंदुत्व बाधित होता है, क्योंकि हिंदू यह कहता है कि सब रहेंगे, सब साथ में रहेंगे, सब मिलजुल कर रहेंगे, सबको संयम का पालन करना पड़ेगा, सबको उसके अनुशासन में रहना पड़ेगा। वो अनुशासन हमारी संस्कृति सिखाती है, वही संस्कृति हमारी। मोहम्मद करीम छागला कह सकते कि मैं हिंदू हूं संस्कृति से, समाज के नाते हम सब हिंदू हैं, हमारी पहचान हिंदू है, हमारी राष्ट्रीयता हिंदू है, उसको मानकर चलने में कौन सा प्रत्यवाय है, वो तो उदार है, सबको समा लेती है। और तीसरी बात है कि हमने अपनी पूजा बदली होगी, हमने अपने बाप दादे नहीं बदले हैं। इंडोनेशियन वकीलात के अधिकारी ने एक पार्टी में भारत के एक व्यक्ति को कहा, भारत के उस पार्टी में आए हुए एक व्यक्ति ने पूछा कि आप मुसलमान देश है और आपके यहाँ वो गीता उपदेश का चित्र है, गरुड़ एयरवेज है आपका, नोटों पर गणेश जी की चित्र, ये क्या चीज है? तो उसने कहा कि हमने अपने पूजा को बदला लेकिन हमने अपने पूर्वज नहीं बदले, वो पूर्वज हमारे आपके समान है। अगर अशफाक उल्ला खान कह सकते हैं कि मैं मुसलमान हूं इसलिए कह नहीं सकता हूं कि पुनर्जन्म मुझे यही मिले, लेकिन अगर भगवान ने मुझे पूछा कि तुमको जन्नत चाहिए कि पुनर्जन्म भारत में, तो मैं कहूंगा मुझे भारत में पुनर्जन्म चाहिए। अशफाक उल्ला खान का मुसलमान होना इसमें बाधक नहीं बनता, और ये उसके मुसलमान होने में अगर बाधक नहीं बनता तो बाकी को क्या तकलीफ है।